Hello friends, welcome to RIAS classes. A session where we will study about the topic regulatory framework for controlling stock market operations. This topic is part of Unit 11 Regulation of Capital Market of the Subject Business Environment MCO4MCOM second year IGNU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments and let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की जो कि है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें पहले जो थे काफ़ी सारे घपले वगैरह होते थे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते थे तो उन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया एक सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो है इस एक्ट को गवर्नमेंट ने पास किया तो ये जो एक्ट था वो काफ़ी अच्छा था एंड ये एक्ट हमको मिला नाइनटीन एंड इसका मेन उद्देश्य ये था कि भाई आप जो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में जो भी ऑपरेशन चल रहा है बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज़ हो गया सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज हो गया इन सब को आप जो है पर तरीके से रेगुलेट करो ताकि इन्वेस्टर का नुकसान ना हो क्योंकि देखो जो काफी ज्यादा जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है जो ज्यादा इंफ्लुएंशियल लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं ये सारा इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है जैसे मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में आपको पता है इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह करके जो इनसाइड का इन्फॉर्मेशन लेके वो लोग पैसे कमाते हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये सब जो है गलत है इसके अलावा काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं काफ़ी सारे घपले होते हैं तो उन सबको हटाने के लिए ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट लेके आई जो कि हमें मिला 1956 में इस एक्ट में ये लिखा गया है कि आप जो है स्टॉक मार्केट में ऑपरेशन जो है किस तरीके से करोगे और इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है उसको भी आपने प्रोटेक्ट करना है एंड इसके बाद जो है ये एक्ट हमारा 1957 में एक्चुअली एप्लीकेबल हुआ इट इट केम इन टू एफेक्ट ऑन फेब्री ट्वेंटी नाइनटीन फिफ्टी सेवन और इसमें काफी सारे चीजें थे इसने सबसे पहले तो रिकोगनाइज किया स्टॉक एक्सचेंजेस को कि भाई हाँ इतने हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सेकेंड इसने जो स्टॉक एक्सचेंजेस में जो चीज़ें होती हैं कार एक्टिविटीज़ होती हैं जो भी प्रैक्टिस होते हैं इसको कंट्रोल करने के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमको दिए द थर्ड थिंग दिस एक्ट गे वॉज रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शन इन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शन ये दो चीज़ें जो हैं इनको रेगुलेट करने के बारे में जनरल प्रिंसिपल्स हमें दिए जनरल प्रैक्टिस हमें दिए एंड फाइनली विथ रिस्पेक्ट टू लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की सिक्योरिटीज़ जो है स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज़ किस तरीके से Uh, जो है वो वहां पे लिस्ट होंगे सो so, लिस्टिंग का सारा प्रोसीजर भी यहाँ दिया गया है सो so, इस एक्ट में जो है मेन मेन चीजें हमें बता रखी हैं, इस एक्ट ने हमें मेन चीजें ये दी कि भाई सबसे पहले इसने रिकॉग्नाइज किया कि स्टॉक एक्सचेंजेस है देन स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर जो जनरल प्रैक्टिसेस होते हैं वो प्रैक्टिसेस किस तरीके से होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शन का जो है रेगुलेट करना एंड फाइनली जो है किस तरीके से किस प्रकार से जो है वो लिस्ट होती है सिक्योरिटीज उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है सो so ये जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन इसके अलावा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स भी फॉर्म हुए एंड दिस रूल्स वे गिवन टू अस इन द ईयर नाइनटीन फिफ्टी सेवन ये रूल्स फ्रेम हुए नाइनटीन में ये सारे चीजें तो थे ही इसमें ये सारे चीजें तो थे नाउ सम रूल्स वेयर रिगार्डिंग ऑडिटिंग वगैरह एनिमल एनुअल रिपोर्ट्स तो आप जो है पीरियडिकल रिटर्न्स फाइल करोगे एनुअल रिपोर्ट्स फाइल करोगे आप जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो है इंक्वायरी वगैरह कर सकते हो सो so, ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके के सेचुटरी कोड ऑफ कंडक्ट में एक स्टैंडर्डाइज रूल बन के हमारे पास आ गए ये सारे रिकॉगनाइज स्टॉक एक्सचेंजेस में तो ये सारा जो था बहुत ही अच्छी चीजें की हमारी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट ऑपरेशन को अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अब देखो गवर्नमेंट ने ये सारा फॉर्म किया अब गवर्नमेंट के पास काफी सारे पावर्स है नाउ ये जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ कुछ पावर दे दिए क्या क्या पावर दे दिए वो हम देख लेते हैं अब देखो अगर आपको स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना है आपके पास पावर तो होना चाहिए एंड दैट पावर इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही बिग अथॉरिटी है जो कि इन सबको कंट्रोल कर सकता है एंड ये पावर इसको दिया है हमारे कौन से एक्ट ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ने ओके सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट सो इस एक्ट ने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कि आप जो है अप्रोप्रिएट एक्शन वगैरह ले सकते हो क्या क्या एक्शन ले सकते हो वो हम देखते हैं अभी पहला जो पावर जो दिया है दैट इज ग्रांट एंड विड्रोवल ऑफ रिकोगशन ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को ग्रांट करना कि आप स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर उसको रिकोग्निशन उसको विड्रॉ करना कि आप स्टॉक एक्सचेंज नहीं हो ये वाला पावर किसको दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को सेकेंड पावर जो दिया है दैट इज अप्रूवल ऑफ रूल्स एंड बायॉस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस रूल्स एंड बायलॉज को जो भी स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स हैं जो बायलॉज हैं उसको अप्रूव करने का भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया The third power is direct stock exchange to make or amend rules and bylaws in certain cases. So, पहले तो rules and bylaws को approve करने का power इनको दे दिया plus इसमें कुछ भी rules को भी आप amend कर सकते हो मोड़ तोड़ कर सकते हो अगर आपको लगता है कि किसी rule में change की जरूरत है तो आप उसको amend कर सकते हो So, ये वाला power जो है ये contract regulation act ने किसको दिया हमारे central government को जो फोर्थ पावर है दैट इज कॉल्ड फॉर पीरियोडिकल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंजेस अगेन यहाँ पे आपको पता होगा हमने अभी पढ़ा कि जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स जो है ये भी फ्रेम हुए थे 1957 में एंड इन रूल्स के अंदर जो है आप जो है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो स्टॉक एक्सचेंजेस से वरना देखो स्टॉक एक्सचेंज तो अपने में ही चल रहा है ना बट उसको आप रेगुलेट कैसे करोगे उसको रेगुलेट आप तभी कर पाओगे उसकी बीच बीच में ऑडिटिंग करोगे उससे इन्फॉर्मेशन मांगोगे डेटा मांगोगे तो ये पावर जो है इस एक्ट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पीरियोडिकली रिटर्न और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज से जो है ले सकता है द फिफ्थ वन इज कंडक्ट इंक्वायरी ऑन द मेम्बर्स ऑर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इंक्वायरी भी कर सकता है ऑन द मेम्बर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज जितने भी मेम्बर्स है स्टॉक एक्सचेंज के अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इनमें तो कुछ घपला हो रहा है इनमें तो है जो कुछ बहुत ही दिक्कत ही हो रही है तो सी बी आई की इंक्वायरी बैठा सकता है मतलब हाई लेवल की जो इंक्वायरी है इन लोगों पर हो सकता है द सिक्स वन इज सस्पेंड बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पूरा का पूरा बिजनेस ही सस्पेंड करने का पावर है नेक्स्ट सेवेंथ इज सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इसका जो गवर्निंग बॉडी ऑलरेडी जो स्टॉक एक्सचेंज का जो एग्जिस्टिंग गवर्निंग बॉडी है इसको सुपर सीड करने का पावर भी सुपर सीड करके डिसीजन लेने का पावर भी किसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है एंड द लास्ट जो एथ पावर है दैट इज रेगुलेशन ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज जो भी सिक्योरिटीज लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज में उसका प्रॉपर तरीके से क्या करना उसको प्रॉपर उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना तो ये सारे पावर जो है किस कहाँ से मिला गवर्नमेंट को हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सारा पावर मिला सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से और ये सारा पावर जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि हमारा स्टॉक एक्सचेंज में जो चीजें हो रही हैं सब कुछ बाई सेल सब हो रहा है वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो किसी भी तरीके का घपला ना हो क्योंकि इतने बड़े बड़े जो है स्कैम्स होते हैं ये सारे स्कैम को अवॉइड करने के लिए अब देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूल में कोई ना कोई लूप होल तो निकाल ही लेगा एंड यहां पे जो है हम जो का ये सिक्योरिटीज और इन सब में डील कर रहे हैं बाइसेल ये सब बहुत बड़े कंपनीज होते हैं ओके okay, बहुत ही बड़े कंपनीज होते हैं जो कि लिस्ट कराते हैं स्टॉक एक्सचेंज में आपको पता ही होगा कि लिस्टिंग के लिए भी एक रिक्वायरमेंट होती है बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत बड़े कंपनीज ही कर पाते हैं उनकी रेटिंग बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए बहुत ही अच्छा उनके प्रीवियस रिकॉर्ड वगैरह देखा जाता है उनका डिविडेंड पेमेंट वगैरह देखा जाता है तो ये सारे जो है बड़े बड़े कंपनीज और बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कंपनीज है इनको इनके पास एडवोकेट है लॉयर्स हैं सब कुछ हर चीज़ का एक्सेस इनके पास है तो अब यहाँ पे क्या होता है इनके पास एक्सेस होता है तो वो कभी कभार जो क्या होता है किसी का दिमाग यहाँ घूम जाता है एंड वो पैसे कमाने के चक्कर में ग्रीडी हो जाते हैं एंड उस चक्कर में जो है आपको यहाँ पे स्कैम दिखने लगते हैं एंड वो स्कैम जो है वो एकदम इनिशियली पता भी नहीं लगता जब बहुत बड़ा जो तीन हजार चार हजार करोड़ों का जब स्कैम होता है ना तब वो दिखने लगता है एंड वो सारा चीज ना हो वो सारा चीज अवॉइड करें क्योंकि उस चीज में नुकसान किसका होता है देखो ये बड़ी कंपनीज जो होती है वो सारी इंश्योर्ड होती है वो सब वैसे ही जो है अपना पैसा कमा के यहाँ स्विस बैंक यहाँ वहाँ उन्होंने छुपा रखा है ये लोग चल लेगा बट यहाँ जो है जो हम जैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स है जिसका जो है पैसा लगा हुआ है हम जो है अपनी सैलरी से पैसा कमाते हैं ना महीने में जितना भी अगर तीस हजार रुपये मिला उसमें से भी हम जो है थोड़ा सा अपने लिए खर्च किया घर के लिए खर्च किया फिर हम थोड़ा सेविंग करते हैं आईडी बना दिया एफडी बना दिया फिर हम अगर थोड़ा सा बचता है ना हम रिस्क लेके स्टॉक एक्सचेंज में डालते हो ओके पैसा थोड़ा पैसा जितना भी रहता है हमारा हार्ड एंड हार्ड अर्न सेविंग रहता है तो वो सारा पैसा जब नुकसान होता है ना हमारा एकदम लाइफ जो है एकदम खराब हो जाता है तो यहाँ पे जो है हमारे लिए इन्वेस्टर इन इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि लार्ज नंबर में ओके पब्लिक में जब चीजें आईपीओ वगैरह जाती है वो सब पब्लिक भी खरीदता है उनको तो उन इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए ये सारा चीज जो है हमारे गवर्नमेंट ने किया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया बाय द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट कि आप जो है इन स्टॉक एक्सचेंज को भी जो है आप इसको अंडर ऑब्जरवेशन रखो आप जो है इनके चीज़ों को जो है देखो फिर इसके बाद आपको पता ही है हमारा सेबी आया जब सेबी फॉर्म हुआ सेबी जो है एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ही बन गया कि भाई ये ही सारा इसको गवर्नमेंट ने इसको सारा का सारा पावर दे दिया कि जितना भी पावर गवर्नमेंट के पास था अब देखो ये जो सारे पावर के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना अभी अब ये सारा पावर किसके पास है ये सेबी के पास है क्योंकि सेबी ही हमारा रेगुलेटरी बॉडी है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रहता है सिमिलरली हर चीज को हर चीज को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई होता है एंड अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को सारे के सारे एक्सचेंजेस ये सारे के सा, सबको रेगुलेट करने का रेगुलेटरी बॉडी इसका है सेबी एंड ये सारे अब जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं ये सारा अब सेबी के अंडर आता है सो so, काफी सारे ऐसे पावर्स हैं जो कि मोस्टली देखो मोस्ट ऑफ द पावर्स सेबी को ट्रांसफर कर चुके हैं हम ऑलरेडी अब कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वो सब क्या चीजें हैं वो सब किन किन एरियाज में जो डिसीजन मेकिंग होता है बाय से बी एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंज वो हम आगे पढ़ें सो सर्टन पावर्स जो कॉन्करेंटली एक्सरसाइज दैट आर एक्सरसाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज सेबी ये हम नेक्स्ट सेशन में कवरअप करेंगे दैट्स इट फॉर द सेशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रिया क्लासेस थैंक यू एंड बाय बाय